एक एम्प्लॉयज का इशू है जो पिछले 6 महीने से धरना बैठे हैं, जिसकी सैलरीज बंद है और गवर्नमेंट इज वेरी एडमिट दैट पहले आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ पे मेजर्स के टारगेट बन जाइए, तब आपको सैलरी। नहीं, आपको ये कहना चाहिए कि आप पहले वहाँ ज्वाइन करने की कंडीशन बनाइए। आपका फेलियर है वहाँ पे और आप इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक है, हमें तब तक रिलोकेट कीजिए कहीं पे आउटसाइड वैली, जब आपके हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस चले जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं, दे आर जस्ट यूजिंग द कश्मीरी पंडित्स ओनली फॉर द वोट पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स, दे हैव ऑलवेज यूज्ड अस, द नेम ऑफ कश्मीरी पंडित्स 4 लाख हैव बीन दिस थिंग हैज बीन हैपन, ओनली व्हेन इलेक्शन कम्स दे गेट एक्टिवेटेड रिगार्डिंग कश्मीरी पंडित्स। जो ये अनआइडेंटिफाइड बोलते हैं वो समझ नहीं आ रहा है सर आज तक, उसको शॉर्ट किया था उसी दिन और वो लेटर अल्लाह टाइगर से निकाली है सर वहाँ। मे बी नेक्स्ट वन आई एम ऑन मीडिया में, आई लिव इन श्रीनगर सर, हो सकता है कल को मुझे टारगेट कर ले, आई हैव गॉट नो सिक्योरिटी, आई हैव गॉट नो वेयर अबाउट। जो काम कांग्रेस ने किया वो दिखा रहे हमने किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने, एक रुपए का काम नहीं किया, एक नई चीज दिखा दे मेरे जो उन्होंने जो पॉलिसी कांग्रेस मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की या मैडम सोनिया गांधी ने की थी, उसके बाद मुझे एक चीज दिखा दी जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया है। क्या उन्होंने नए क्वार्टर, वो उनकी पॉलिसी थी, वो उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की थी जहाँ क्वार्टर बनाने हैं, वो उनकी पॉलिसी थी, वो नौकरियां उनकी पॉलिसी थी, वो कैश अनाउंसमेंट स्टार्ट किया कांग्रेस से, उन्होंने बढ़ाया, वो कांग्रेस ने बढ़ाया, इन इन सालों में उन्होंने किया कि एक नया बता दो, उन्होंने कहा क्या उन्होंने जो एवरेज एम्प्लॉयज है उनके लिए कुछ किया आज तक, कुछ नहीं किया। जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं इन्होंने वो तक बंद कर दिया हमारा, और कह रहे हैं हम पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। They don't want to solve the problem, because it keeps the Hindu-Muslim issue alive in the country. ऐसा नहीं है कि खाली कश्मीरी पंडित हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज, जम्मू के एम्प्लॉयज भी हैं वहाँ पे, वो भी सफर कर रहे हैं, वो भी धरना में बैठे हैं पिछले 3-4 महीने से, तो जम्मू के एम्प्लॉयज डोगरा एम्प्लॉयज जो कैटेगरीज में लगे हैं वो भी परेशान हैं, एंड दे वांट अस टू डिवाइडेड रूल करना चाहते हैं। सर राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस में एक चेयर पे मारा, चेयर पे मारा सर, एक लेडीज है वो टीचर उसको स्कूल में मारा गया, उपिंदर कौर। हम कहते हैं कि उन बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया जब तक कश्मीर में हालात ठीक होंगे, मानते नहीं सर।